हाय गाइज, मैं हूँ कमल शर्मा। कैसे आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइज, बिल्कुल मस्त हूँ। अभी मैं हूँ यहाँ के जो अरबी लोग हैं, ओमान के जो अरबी लोग, ओमानी लोग हैं, उनकी कॉलोनी में आया हूँ। मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। देखिए, ये कुछ घर आपको नज़र आ रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि शर्मा जी, आप ओमान में रहते हैं, वहाँ के जो ओमानी लोग हैं, वहाँ के जो अरबी लोग हैं, वो कैसे घर में रहते हैं, उन लोगों की कॉलोनी कैसी है, सब कुछ हमें डिटेल में बताइए, डिटेल में दिखाइए। उसी चीज़ को दिखाने के लिए आज का ये ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरे पीछे देखिए, आपको बस्ती नज़र आ रही है। ये रेजिडेंस एरिया है ओमान का, ओमानी लोगों का। अब यहाँ से अंदर जाऊँगा, अंदर जाके आपको सब कुछ एक्सप्लोर करके इस ब्लॉग में दिखाऊँगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने शर्मा मिक्स ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को ये फायदा होगा, ओमान की बढ़िया बढ़िया जगह मैं घुमा के ब्लॉग लेकर आता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, इस चैनल में देखने को मिलता है। और ओमान में जॉब से रिलेटेड जानकारी वाले वीडियो भी मैं लेकर आता हूँ इसी चैनल में, इसलिए आपको दो फायदे होने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ से अंदर, इसी रास्ते से अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की कॉलोनी कैसी है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उस पड़ोस के साथ कैसे संबंध है, एक गाड़ी कहाँ खड़ी करते हैं, घर के बाहर क्या लगा रखा है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से अंदर। और कॉलोनी में जो घर देखे ना, मकान देखिए, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। बनावट लगभग लगभग एक जैसी है, कलर भी मकान के मिलते जुलते एक जैसे ही है। ये कॉलोनी के बीच का एक चौराहा है, यहाँ से चारों तरफ रोड जाता है। गाइस, आप लोगों की फरमाइश को पूरी करने के लिए मैं ओमानी लोगों की कॉलोनी के बाहर से जा रहा हूँ, उनके घर के आगे से जा रहा हूँ। देख सकते हैं मेरे पीछे उन लोगों के घर, घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। देखिए, आपको मैं कैमरा रोटेट करके दिखा रहा हूँ। देखिए आगे तक, देखिए ऐसा नजारा है यहाँ का। जरा एक नज़र डालिए इस कॉलोनी के रोड पर, कहीं देखा आपने एक कागज का टुकड़ा, कोई पॉलीथीन पिन्नी या कोई कूड़ा करकट पड़ा हो? बिल्कुल साफ सुथरी कॉलोनी है, यहाँ पर कोई गंदगी नहीं है, सब लोग अनुशासन में रहते हैं। अगर कोई कचरा होगा तो सब ले जाकर अपने कचरे के डब्बों में डालेंगे, ना कि बाहर फेंकेंगे। आप देख सकते हैं ये कॉलोनी के दोनों तरफ घर हैं, बीच में रोड है, गाड़ियां लोगों ने बाहर खड़ी करते हैं, कोई चोरी चकारी के डर तो है नहीं यहाँ पर। और हर घर में सीसीटीवी भी लगे होते हैं। देखिए एक बार आपको मैं कैमरा रोटेट करके दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे घर हैं, कितनी साफ सुथरी कॉलोनी है, बहुत शानदार बहुत जानदार कॉलोनी है, देखने में भी बहुत मजा आता है यार। ऐसी कॉलोनी हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। देखिए कहीं कूड़ा करकट कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको, बहुत साफ सुथरी कॉलोनी है ये। और आने वाले समय में क्या देखना चाहते हैं, ओमान के बारे में क्या जानना चाहते हैं, कमेंट करिएगा। डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक में फॉलो करिएगा, फेसबुक का नाम भी सेम यही है, शर्मा मिक्स ब्लॉग। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अभी ओमान का समय हो रहा है शाम के 4:30 बजे। अभी ओमानी लोगों की जो कॉलोनी है, जो रेजिडेंस एरिया है, उसके अंदर से जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। मेरे पीछे जो घर नज़र आ रहे हैं, देखिए ये ओमानी लोगों के, अरबी लोगों के हैं, ऐसे घर में रहते हैं ये लोग। देखिए बाहर से देखने में सिंपल लगता है, लेकिन अंदर जाके बहुत लग्जरी, बहुत टॉप का घर होता है। देखिए घर के बाहर इस प्रकार से हरियाली, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर करके रखते हैं ये लोग। और आपको एक मजे की बात और बताता हूँ मैं, यहाँ पे जितने भी ये घर नज़र आ रहे हैं ना, ये आस पड़ोस में किसी से मतलब नहीं है, अपने घर से मतलब रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चे एक आपस में खेलते हैं और आस पड़ोस के बच्चे आकर गली में खेलते रहते हैं, या आस पड़ोस के लोग आकर गली में कुर्सियाँ डालकर बातचीत करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। सब अपने घर में रहते हैं, बस कहीं जाना होगा गाड़ी निकालेंगे, सीधा बाहर जाएंगे, और बाहर निकलते समय अगर पड़ोसी मिल जाए तो दुआ सलाम करते हैं। वैसे पड़ोस के घर में जाके रहना बैठना ये सब नहीं होता यहाँ, ये सब नहीं चलता यहाँ पर। क्योंकि आपने मेरे वीडियो में जरूर देखा होगा, गली में कहीं बच्चे नजर नहीं आए होंगे, कोई बाहर नहीं खेलता, सब अपने घरों में खेलते हैं। गली में बच्चे निकलते ही नहीं है, सब अपने घरों में अपने अंदर ही खेलते रहते हैं, अंदर खेलने के लिए जगह बना रखी होती, वहीं सब खेलते रहते हैं। तो गाइस, आप लोगों को ये भी बताना जरूरी है ना, अभी मैं कहाँ पर चल रहा हूँ, कौन सी कॉलोनी में चल रहा हूँ। इस कॉलोनी का नाम है अलखोद। ओमान देश की राजधानी मस्कट का एक खूबसूरत मार्केट है अलखोद, उस मार्केट के करीब में ये कॉलोनी है। इस कॉलोनी को भी बोलते हैं अलखोद, ये एरिया अलखोद में आता है। मैं यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर रहता हूँ, जो मेरे एरिया का नाम है मवेला। देखिए कितनी प्यारी गाड़ी है, BMW। यहाँ पर मैं आ रहा था तो मेरे
रास्ते में पकड़ के बोलने लगे मेरी गाड़ी का वीडियो बना दो। देखिए कितनी खूबसूरत गाड़ी है, देखिए ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल गाड़ी है, देखिए जरा इनसे बात करेंगे जरा। देखिए यहाँ पर लोगों ने खजूर के पेड़ लगा रखे हैं घर के बाहर, और ये देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ लाइन से खड़ी कर रखी हैं, BMW, मर्सिडीज, ये माजदा, देखिए कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, है हुंडई, ये देखिए शानदार गाड़ियाँ घर के बाहर खड़ी कर रखी हैं। जैसे ही कॉलोनी ख़त्म हो गई यहाँ पर मार्केट शुरू हो गया। देखिए कितने शानदार टॉप की बिल्डिंग बने हुए हैं। इस एरिया का नाम जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ अलखोद है। अलखोद में देखिए इतने शानदार बिल्डिंग बनी हुई हैं। यहाँ इस बिल्डिंग के पल्ली तरफ जाएंगे तो यहाँ पर सूक है, और ये देखिए ये है ओमान का सरकारी स्कूल, देखिए ओमान का फ्लैग भी यहाँ पर है, और ओमान के सरकारी स्कूल कुछ इस प्रकार से होते हैं। कलर इनका ऐसे ही मिलेगा, ओमान में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सभी का कलर एक जैसा ही होगा, हल्के पीले कलर में। और इस स्कूल में देखिए आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, AC हैं, देखिए हर क्लास में AC लगी होंगी, सरकारी स्कूल में भी AC हैं, देख रहे हैं। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में पंखे भी नहीं होते कहीं कहीं, तो यहाँ पर सरकारी स्कूल में AC भी हैं। तो गाइज आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा। अभी मैं मार्केट में पहुँच चुका हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट यही तो था, आप और भी लोगों के घर दिखाइए, ओमानी लोगों के घर दिखाइए, उसी लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आज के इस वीडियो में आप लोगों ने देखा ओमानियों के घर कैसे होते हैं, और यहाँ का मार्केट भी देख लिया आपने, ये पीछे की मार्केट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अभी तक आपने शर्मा मिक्स ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।